हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 6 एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो इस चैनल में नए हैं वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है वही सीन से जिससे एंडिंग हुई थी। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर रा मिनिगो को उठाने के लिए आते हैं और वो शॉक्ड होते हैं उन दोनों को ऐसा पाके। फिर वो पास आते हैं उन दोनों के, फिर उन्हें वही इलेक्ट्रिकल चीज़ मिलती है। फिर वो बाहर जाते हैं और इसके बारे में सोचते हैं कि टेंगयान ने तो कुछ नहीं किया। फिर वो इमेजिन करते हैं जहाँ पर टेंगयान मिनिगो के करीब आता है और मिनिगो को उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिकल चीज़ चलानी पड़ती है और फिर वो उसके ऊपर ही बेहोश हो जाते हैं। वाओ। तब हमें दूसरी तरफ मिस्टर माँ दिखाया जाता है जो ऐसे लेटे होते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं, मिनियो को उसे यूज़ करके उसके ऊपर ही क्यों गिरेगी, कहीं मिनियो को ने तो स्टार्ट नहीं किया। फिर वो इमेजिन करते हैं जहाँ पर मिनियो को टेंगयान की करीब आ रही होती है और वो ही उसके ऊपर वो इलेक्ट्रिकल चीज़ चलाती है और उसके ऊपर ही लेट जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर राव ऐसे लेटे होते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर उन्हें करंट लगता है और वो उसी इलेक्ट्रिक चीज़ से पूछते हैं तुमने किसे मारा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मिनियो को उठ जाती है और उसकी आंट वहाँ एंट्री लेती है और कहती है तुम तो उठ गए पर ये लीडर नहीं उठा, और उसके ऊपर से कंबल हटाती है। तब टेंगयान पलट जाता है, तब वो वहाँ मारती है जहाँ पर हर एक मॉम अपने बच्चों को मारती है और टेंगयान फट से उठता है। तब वो मिनियो को ले के नीचे जा रही होती है और कहती है टेंगयान से कि तुम भी नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तब टेंगयान कहता है क्या था ये क्या था। तब हमें सब नीचे दिखाया जाता है जो ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उसकी आंट उसे सर्व कर रही होती है, मिनियो की आंट सर्व कर रही होती है। तभी टेंगयान आता है और वो कहता है मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ, पहली बात मुझे टच नहीं करना। और फिर वो वहीं पर मारती है और सब उसे देखते हैं। ये बड़ा मस्त सीन था। फिर वो कहती है हाँ तुम कुछ रूल्स की बात कर रहे थे, और वहाँ से चले जाती है। तब वो वहीं पर टच करता है टेंगयान और सब उसे देखते हैं और हंसते हैं। फिर टेंगयान उन्हें देखता है और सब अपना खाना खाने लग जाते हैं। फिर टेंगयान चले जाता है। फिर जेरमी कहता है तुमने देखा आज तो मज़ा आ गया। तब शिनवो कहता है आज पहली बार उसे उसका टक्कर का कोई मिला है। फिर सीन कट होता है और मिनियो को और मिस्टर माँ दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर माँ कहते हैं अच्छा वो शॉक तुम्हें गलती से लगा था, क्या आप तुम ठीक हो। तब मिनियो कहते हैं नहीं मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। तब वो कहते हैं शायद इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी बॉडी में के अंदर घुस गई है। तब वो पूछती है ये कब ठीक होगी। तब वो कहते हैं पानी पीते रहो ठीक हो जाएगी। तब हमें दिखाते हैं मिनियो को बहुत सारा पानी पीती है और वहीं शिनवो आता है और वो पूछता है क्या तुम्हारी रात अच्छे से निकली, एक्चुअली टेंगयान के साथ शेयर करना रूम ठीक था। तब वो कहती है हाँ मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी पर उसे पता नहीं चला, बाकी सब ठीक था। तब वो कहता है बाकी सब ठीक था। फिर मिनियो को कहती है कल क्या तुम ठीक हो अब कल के बाद। तब वो कहता है अच्छा वो लड़की क्या तुम उस बात से परेशान हो। तब वो कहती है हाँ कल तुम बहुत अपसेट और डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। तब वो कहता है हाँ मैंने उस लड़की को किसी और के साथ देखा था पर अब लगता है कि वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती। तब मिनियो कहती है वो लड़की तुम जैसे ग्रेट इंसान को ही पसंद करेगी। तब शिनवो कहता है ये बात कभी मत भूलना, प्रॉमिस करो, और प्रॉमिस ले लेता है। तब मिनियो को अपनी हार्ट बीट चेक करती है और कहती है अब ये बंद हो गई है। तब वो कहता है मतलब। तब वो कहती है मेरे साथ कुछ अलग हो गया था तो मैंने पानी पिया तो मैं ठीक हूँ। तब वो कहता है चलो चाय पीते हैं। तब वो कहती है हाँ मेरे कमरे में बिस्किट है मैं लाती हूँ, और चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि मिनियो को किचन में आती है और वहाँ टेंगयान होता है। वो कहता है तुम दोनों तो क्लोज हो, तुम शिनवो के रूम में क्यों नहीं रहते। तब वो कहती है वो एक लड़का है, वैसे तुम भी एक लड़की हो। तब वो कहता है हाँ मीनम भी तो एक लड़का है, तभी तो कल हम आराम से सोए। तब वो कहती है हाँ अब मैं कुकीज ले जाऊँ। तब वो चले जाती है। तब टेंगयान याद करता है कि वो कल आराम से कैसे सो गया, एक भी बार नहीं उठा। तब उसे याद आता है कि कल वो बहुत चला था इसलिए। फिर सीन कट होता है और हमें यूई दिखाई जाती है जो एंजल के ऑफिस आती है। फिर हम देखते हैं कि यूई अपनी
मूवी प्रीमियर की टिकट मिस्टर आ को दे दिया और मिस्टर आ कहते हैं, क्या तुम मुझसे देने यहाँ तक आई हो? तो मिस स्टाइलिश कहती है, एक्चुअली वो चाहती है कि हम सब उसके मूवी प्रीमियर में आए। फिर यूई कहती है, एक्चुअली मैं बहुत शाय टाइप हूँ इसलिए। तब मिस्टर आ कहते हैं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। फिर सीन कट होता है और हमें मिस स्टाइलिश और यूई दिखाई जाती है, जहाँ यूई कहती है, तेंगन यही रिहर्सल करता है ना। तब मिस स्टाइलिश कहती है, तुम्हें उससे मिलना है, चलो मेरे साथ। फिर हमें दूसरी तरफ तेंगन दिखाया जाता है जो रिहर्सल कर रहा होता है और मिस स्टाइलिश और यूई उसे देख रही होती है और मिस स्टाइलिश कहती है, वो हैंडसम है ना। तब वो कहती है हाँ। फिर वो चले जाती है और हम देखते हैं कि तेंगन यूई को देख लेता है। तो यूई गेट खोलने की कोशिश करती है पर वो खुलता नहीं। तब वो कहती है, गेट खोलो। तब तेंगन उसे इग्नोर मारता है तो वो डायरी में लिखती है कि गेट खोलो। तब तेंगन उसे पढ़ता है और कहता है, मेरा मन नहीं है। तब वो लिखती है, मैं उस लड़की को ढूंढने आई हूँ। तब वो कहता है, तुम ढूंढ नहीं पाओगी। तब वो लिखती है, मैं उस लड़के को तुम्हारे साथ भागने नहीं दूंगी। तब वो उसके पास आता है और लिखता है, यहाँ से चली जाओ। तब यूई पागल हो जाती है और अजीब सी हरकतें करते हुए उसे कुछ ना कुछ कह रही होती है। तब वो लिखता है CCTV। तब वो उसकी तरफ देखती है CCTV की तरफ और अपने बाल संवार के चले जाती है। फिर तेंगन सोचता है कि ये यहाँ आई क्यों है इतनी दूर से। तब सीन कट होता है और हमें यूई दिखाई जाती है जो मिनियोगो के पास आती है और मिनियोगो से कहती है, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, क्या हम एक फ़ोटो खिंचा सकते हैं? तब मिनियोगो कहती है, हाँ बिल्कुल। तब वो फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं। फिर यूई मिनियोगो से कहती है, तुम लड़के नहीं लगते। तब वो कहती है, क्या? तब वो कहती है, मैंने कहा तुम लड़के नहीं लगते। तब वो शॉक्ड होकर कहती है, तुम क्या कह रही हो? तब वो कहती है, तुम मुझ पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इसलिए। तब वो कहती है, सॉरी, और फ़ोटो खिंचाने लग जाते हैं। फिर मिस्टर माँ मिनियोगो को दूर लाते हैं और कहते हैं, यूई अगर तुम्हारी फ़ैन है तो मतलब कोरिया की आधी पॉपुलेशन तो तुम्हारी फ़ैन ही होगी। तब मिनियोगो कहती है, क्या मैं इतनी चार्मिंग हूँ? तब वो कहते हैं, देखते हैं। तेंगन यूई को पसंद करता है, यूई तुम्हें, तो तुम तेंगन से जीत गई। तब मिनियोगो कहती है, तेंगन यूई को पसंद करता है? तब मिस्टर मार्क कहते हैं, हाँ मैंने मिस्टर आर से सुना था कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। फिर मिस्टर मार्क चले जाते हैं और यूई को देखते हुए मिनियोगो कहती है, हाँ वो एक लड़की है और कितनी सुंदर है, तेंगन इसी टाइप के लड़के को पसंद करता होगा। फिर उसके हार्ट बीट तेज हो जाती है तो वो पानी पीने जाती है। तब यूई उसका पीछा करती है और कहती है, वो एक लड़की की तरह प्रिटेंड क्यों कर रही है? फिर वहाँ पर जेरेमी और शिनवो आ जाते हैं जो मिनियोगो को पानी देते हैं। फिर मिस्टर आते हैं जो कहते हैं, चलो लंच करने चलते हैं। फिर उन्हें तेंगन भी मिलता है तो वो सब लंच करने जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं मिस्टर माँ यूई से एक और बार फ़ोटो खिंचाने के लिए बोलते हैं और वो पर उसका ध्यान नीचे की तरफ होता है पर वो इस उनके इंसिस्ट करने पर मान जाती है और फ़ोटो खिंचाने ही वाले होते हैं। तभी मिस्टर माँ मिनियोगो को जानते हुए देख लेते हैं और वो उसके पीछे चले जाते हैं और उसे और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये लड़का बन के भी एक प्रिंसेस की लाइफ जी रही है, अगर ये अपनी लाइफ में वापस चले गए तो सब कितना हर्ट हो जाएंगे। फिर सीन कट होता है और हमें सब दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर आ यूई और तेंगन के रिलेशन के बारे में बात करते हैं और मिनियोगो उसे सुनती है पर तेंगन उसे घूरता है तो वो चले जाती है। तब तेंगन क्लियर करते हुए कहता है, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तब मिस्टर आ कहता है, तुम उस सॉन्ग को कब बनाओगे? तब वो कहता है, नहीं मैं नहीं कर सकता, आप किसी और को चुन लीजिए। तब मिस्टर आ कहता है, मुझे मिनियोगो के बारे में तुमसे बात करनी है। तब हमें मिनियोगो दिखाई जाती है जो यूई को याद कर रही होती है और उसकी हार्ट बीट फिर से तेज हो जाती है तो वो पानी पीती है। तब जेरेमी उसके पास आता और बैठता है पर उसके पास नहीं, दूसरी वाली सीट में बैठता है। तब वो कहता है, तुम इतना पानी क्यों पी रहे हो, कुछ खा लो। और उसकी प्लेट खाली होती है तो वो अपना खाना उसे दे के चले जाता है पर मिनियोगो उसे रोकती है और कहती है, जेरेमी तुम्हें सुंदर लड़कियाँ पसंद है ना? तब वो कहता है, क्या? तब वो कहती है, तुम्हें ऐसा ही लगता है ना? तब वो कहता है, ऑफ कोर्स मैं एक लड़का हूँ तो मुझे लड़कियाँ तो पसंद ही होगी, ये नेचुरल है। और मुझे लड़कियाँ वही पसंद है जिनकी बॉडी और शेप दोनों अच्छी हो, मैं तुम जैसे को थोड़ी ना लाइक करूँगा। तब वो कहती है, हाँ मैं एक लड़का हूँ। तब वो कहते हैं, तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसा कर क्यों रही हो मेरे साथ, ये मुझे दो। और वो प्लेट खींच के खाना खाने लग जाता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।